नमस्कार, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। मैं दिग्विजय एक नए विषय एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे ARSD कॉलेज में डिबेट कंपटीशन के विषय के पक्ष में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी डिबेट से संबंधित या अन्य जानकारी से संबंधित जो वीडियो आ रही है उसको सबसे पहले देख सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 मार्च 2019 ARSD कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन के विषय के पक्ष के बारे में बताऊंगा, और वो विषय क्या हो क्या है और विषय में क्या क्या करना है आप सभी को, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं विषय, आखिर विषय क्या है। तो विषय के पक्ष में हमें बात करने से पहले विषय जान लेना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि यह विषय द्विभाषी कॉम्पिटिशन है, ये जो डिबेट कॉम्पिटिशन होने जा रही है, तो हम विषय को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानेंगे। सबसे पहले हिंदी में, इस सदन का मत है कि भारतीय राष्ट्रवाद पाकिस्तान के संदर्भ में अधिक मुखर है, यह विषय है हिंदी में। चूंकि यह द्विभाषी डिबेट कंपटीशन है तो अंग्रेजी में भी विषय जान लेते हैं। इंग्लिश में जो विषय है वो कहता है, दिस हाउस बिलीव दैट इंडियन नेशनलिज्म इज मोर एक्सप्लिसिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद अधिक मुखर होता है। शुरू करते हैं पक्ष में, पक्ष का वक्तव्य। भारतीय राष्ट्रवाद कैसे पाकिस्तान के संदर्भ में अधिक मुखर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो कैसे पाकिस्तान के संदर्भ में अधिक मुखरता दिखाता है और लोगों को एकजुट करता है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के बाद मैं अगले पॉइंट पर आऊंगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय राष्ट्रवाद पाकिस्तान के संदर्भ में अधिक मुखरता से निकल कर आता है। कि मसलन आप उदाहरण लीजिए कि यदि आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी देखने जा रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम से भारतीय प्रशंसक ये उम्मीद करते हैं कि किसी से भी हार जाए, इवन वो वर्ल्ड कप भी हार जाए, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो वो जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिकेट ग्राउंड पर स्पष्ट दिखती है। आप देखेंगे कि दोनों टीमों में, और ना केवल भारतीय राष्ट्रवाद बल्कि पाकिस्तान का भी राष्ट्रवाद भारतीय संदर्भ में अधिक मुखर होता है। आप क्रिकेट ग्राउंड पर देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के जो चाल ढाल है, उनका एक्शन होता है, बिल्कुल राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। और ना केवल ये क्रिकेट के ग्राउंड में होता, बल्कि आप खेल के किसी भी ग्राउंड में जाइए तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें राष्ट्रवाद की जो ज्वाला है अपने चरम स्तर पर होती है। आप हॉकी का उदाहरण ले सकते हैं। साथ ही साथ ओलंपिक्स में आप जाइए तो अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता तो निश्चित तौर पर उसमें राष्ट्रवाद और खासतौर पर भारतीय राष्ट्रवाद अधिक मुखरता से निकलकर सामने आता है। तो ये तो हो गई खेलों की बात। आगे हम बढ़ते हैं तो आप हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति की जब तुलना की बात आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जो राष्ट्रवादी हैं और जो लोग हैं जो इस विचारधारा को मुखरता से रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो है कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी जो है कि उससे कहीं ज्यादा है, और पाकिस्तान हमारे दो चार सूबों को मिला लिया जाए तो पाकिस्तान बन जाता है। तो ये आर्थिक स्थिति में कि हम इकोनॉमी में उनसे ज्यादा है, एज अ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो पाकिस्तान से करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक संघर्ष आता है, एक जोश आता है, और एक राष्ट्रवाद के साथ साथ एक युद्ध की भावना आती है। तो युद्ध जब होता है तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग 4 युद्ध लड़ चुके हैं, और इसलिए भी राष्ट्रवाद की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान का जिक्र होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तमाम वीर रस कवियों को अगर आप सुनेंगे तो वो उनकी कोई ना कोई कविता में पाकिस्तान का जिक्र होना बहुत जरूरी है, और कईयों ने तो पाकिस्तान के ऊपर लंबी लंबी कविताएं भी लिख दी है। तो ये दर्शाता है कि और जो पाकिस्तान के साथ संबंध है वो कहीं ना कहीं कटुतापूर्ण भी रहे हैं। तो राष्ट्रवादी भावना ये रहती है कि अगर हमें शत्रु को पराजित करना है तो निश्चित तौर पर एकजुट रखना है। तो भारत में आप इलेक्शन को ले लीजिए, इलेक्शन में भी राष्ट्रवाद की अगर चरम सीमा आपको देखनी है तो पाकिस्तान की आलोचना या पाकिस्तान के संदर्भ में बात की जाती है। इलेक्शन में भी बड़ी बड़ी रैलियों में ये बात की जाती है, चाहे वो कोई भी दल रहा हो। तो पाकिस्तान यहाँ के जनमानस को एकजुट करने में, एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में एक अहम रोल अदा करता रहा है।
पाकिस्तान के संदर्भ में जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद अधिक मुखर होकर आता है। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, निश्चित तौर पर ये उदाहरण आपके काम आएंगे। जो घटनाएं हुई वो सभी आप लोग जानते ही हैं, आप तो निश्चित तौर पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तर्क को और मजबूत और तेज तर्रार बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। आप डिबेट कॉम्पिटिशन में जाए, अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा परिणाम, अच्छा पुरस्कार प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। अंत में जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप ध्यान रखें कि मैं डिबेट कंपटीशन का पहला वक्ता हूं। मेरे बिंदुओं को आप आधार बना सकते हैं या इससे बहुत ज्यादा बिंदु इस विषय के अंदर है, कोई सीमा नहीं है कि किसी भी पक्ष में किसी भी प्रकार के बिंदुओं की। निश्चित तौर पर आप जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अंत में चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों तक जरूर इसे पहुंचाएं और उनको कहें यदि आप डिबेट कंपटीशन में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वीडियो देखेंगे, उनके लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।